हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में दुनिया के जलप्रपात से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? सही आंसर है इरी एवं ओंटेरियो। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। अगला सवाल है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है सेंट लॉरेंस। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है एंजिल। अगला सवाल है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है कैरो नदी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? सही आंसर है वेनेजुएला। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है शरावती। अगला सवाल है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है जाम्बेजी। अगला सवाल है, ग्रेट कमारना जलप्रपात किस देश में स्थित है? सही जवाब है गुयाना। अगला सवाल है, बुयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है जेरे। अगला सवाल है, स्टेडली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है कांगो। दूध सागर जलप्रपात भारत के किस किस राज्य की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक और गोवा। अगला सवाल है, थोसेघर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? सही आंसर है जमशेदपुर। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है पोटारो। अगला सवाल है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? सही आंसर है चित्रकूट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।